साहस सरोकार। मधुबनी में पुलिस अधीक्षक ने किया वार्षिक निरीक्षण, पुलिस अधिकारियों को जारी किए सख्त निर्देश। बेतिया में अधिकारियों ने की सरकार की योजनाओं की जांच, पीडीएस दुकान का भी किया गया निरीक्षण। सुपौल में सुरक्षा अभियान के तहत महिला कर्मियों को दिया गया प्रशिक्षण। नवादा में स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों के साथ लापरवाही, ऑपरेशन के बाद नहीं उपलब्ध कराए बेड। मधुबनी में जिला प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई, खाद विक्रेता के गोदाम पर की छापेमारी। मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का। मधुबनी जिला की एसओडी बेबी कुमारी ने वार्ड नंबर 11 से 15 तक के वार्डों में सरकारी योजनाओं का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसडीओ ने प्राथमिकी विद्यालय, मध्य विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र के अलावा नल जल योजना की भी जांच की, तो वहीं पंचायत के वार्ड में विकास योजना के नाम पर खानापूर्ति देखने को मिली। साथ ही विद्यालय भवन क्षतिग्रस्त होने पर बच्चों के पठन पाठन व्यवस्था भी सही से संचालित नहीं हो पा रहे हैं। राशन तो मिले सर, जदे ऐसे तो देवे करे। हाँ, कोई दिक्कत हो में? और आए नहीं, हमरा के दूरा पता का पानी लग जाइयो, नाला नहीं दे है, पानी निकलने दे है, कैमरो केबल भाग तस्वीर पानी घुरा। घरों द्वार के दिक्कत है, जमीनों जठा के जो रोड मात सब के दिक्कत है सर, इतने पानी लग जाए, बाढ़ ढुक जाए घरों आंगने। काफी दिक्कत रहता है, राशन पानी दे 100 के मटिया तल दिया लीटर, हैं 2 किलो कोटा दे है, 2 महीना पे कोटा दे है सर, लहवा चार 2 कोटा के मिला के एक कोटा दे है, बेकार गहूं दे है सेहो नहीं। तकलीफ है, नहीं राशन दे रहा है, नहीं कुछ दे रहा है, पानी उनी कुछ नहीं आ रहा है। क्या पानी कब से नहीं मिल रहा है? पानी जब से घर आया हुआ है तब से कुछ भी नहीं आ रहा है। अच्छा, सब जगह नकली पाइप दे दिया है, वो फटा हुआ है, पानी आ नहीं रहा है, सप्लाई नहीं हो रहा है। मध्याह्न की स्थिति ठीक है, अभी यहाँ पर तो खिचड़ी बने थे, बच्चे खा रहे हैं और स्कूल में देख रहे हैं कि यहाँ आने जाने का रास्ता नहीं है। जिसको मनरेगा पीओ का कहा है कि छोटा पुलिया लेकर के योजना में उसको बना करके ताकि बच्चों को आवागमन में सुविधा हो सके। निकलेंगे अभी इस पंचायत, अभी नंदलनों में देखते हैं, अभी जस्ट जा रहे हैं। खबर सुपौल जिला से है, जहां महिला सुरक्षा अभियान के तहत महिला स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण देने का कार्य करती है। यह प्रशिक्षण मूल रूप से सैनिटरी पैड का उपयोग करने का प्रशिक्षण देती है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक जिला, प्रखंड और पंचायत में जाकर महिला स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण देना होता है। तो वहीं प्रशिक्षित महिलाएं गांव-गांव जाकर महिलाओं से होने वाली महावारी के समय यूज करने वाले गंदे कपड़े से बचाने के लिए काम कर रही है। इसमें महिलाओं के लिए क्या मतलब बताया गया है? रूरल हेल्थ ऑफिसर। इसमें क्या सब मतलब सर लोग बताए, क्या सब क्या 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 चीज़ होता है? सैनिटरी पैड के बारे में जानकारी। मैं रूरल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बिहार कोऑर्डिनेटर बेतिया पश्चिमी चंपारण से। आप जो ये मीटिंग कर रहे हैं, क्या चीज़ मीटिंग है? यह मीटिंग हमारी संस्था के द्वारा महिला स्वास्थ्य कर्मियों को, जिन्हें MSM के शॉर्ट नेम से हमारी संस्था जानती है, उनको प्रशिक्षण देने का काम कर रही है। यह प्रशिक्षण सैनिटरी पैड, जो आज के डेट में गांव-गांव में सारी महिलाएं यूज़ नहीं कर रही हैं, इसके यूज करने के तरीके और इससे फ़ायदे के बारे में बताना और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का काम है। सहरसा जिला के पुलिस शिविर में शिविर के प्रभारी ने पुलिस शिविर क्षेत्र में शांति व्यवस्था को लेकर बैठक का आयोजन किया, जिसमें जन प्रतिनिधियों ने क्षेत्र में अपराध पर अंकुश लगाने की और परस्पर बाजार में पुलिस गश्ती बढ़ाने की मांग की।
कहीं पुलिस शिविर प्रभारी मनीष कुमार ने कहा कि आप सभी के सहयोग से परस्पर पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहेगी। वहीं इस मौके पर समाज सेवी सहित अन्य जनप्रतिनिधि और व्यवसायी मौजूद थे। नवादा जिले के हिसुआ थाना क्षेत्र में ट्रेन से कटने से एक बालक की मौत हो गई, जिसके बाद से परिजनों में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि बच्चा शौच के लिए घर से बाहर निकला था, इसी दौरान ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। बता दें कि हाथ में मोबाइल लेकर कान में हेडफोन लगाकर बालक गाना सुन रहा था, तो वहीं रेलवे पटरी पार करने के दौरान अचानक ट्रेन आ गई। मीटिंग करने जा रहा था, वहाँ पर बैठ करके और हेडफोन लग रहा था, मार देख रहा था, मार देखते हुए क्रम में ऐसा दुर्घटना हो गई। नवादा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रजौली में तैनात डॉक्टर और कर्मचारी मरीजों को समुचित व्यवस्था उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों ने 22 महिला और 4 पुरुष का बद्धाकरण ऑपरेशन कर मरीजों को बिना बेड के वार्ड में जमीन पर लेटा दिया। इलाज कराने आए मरीजों के परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। SDO आदित्य कुमार ने पूरे घटनाक्रम पर संज्ञान लेकर उच्च स्तरीय जाँच के निर्देश जारी किए हैं। घर मानो पहले ऑपरेशन हो गए के कर और जो पहले थे, हाँ तो सो गए थे। तो आप कहाँ से आए? आप काम बस कर गाड़ी। किनका बंध्याकरण करवाए हैं? अपना पत्नी का। क्या नाम है उनका? निशा देवी। कब हुआ था? मेरा हो गया था 1 बजे से। तो आप लोग को बेड नहीं मिला? मेरा एक ही बेड मिला था, जो है बच्चे का, तो वही तो मैं नीचे सुता है, बेड पर दिक्कत होगा सर, इसीलिए नहीं सुता है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर व्यापार तक, ऐसी खबरें जिन पर है हमारी पैनी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखिए हमारे खास कार्यक्रम प्राइम शतक के साथ। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, एक्टर से लेकर सिंगर तक, फिल्म जगत की हर चटपटी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। पहले पर्दे की अंदरूनी बातों पर होगी गॉसिप। देखिए बॉलीवुड मसाला सिर्फ प्राइम टीवी पर। स्वागत है, रुक करते हैं खबरों की ओर। नालंदा के दीपनगर थाना क्षेत्र के राणा बिघा गांव में चोरों ने व्यवसायी के बंद पड़े मकान का ताला तोड़कर नगद और जेवर समेत अन्य सामान की चोरी कर लिए। बता दें कि घर के मालिक परिवार के साथ अपनी बेटी के घर गए हुए थे। पड़ोसियों ने उन्हें फोन कर घटना की जानकारी दी, जिसके बाद वह घर पहुंचे तो चोरी की घटना का खुलासा हुआ। सूचना पाकर जांच के लिए घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और जांच शुरू कर दी है।
असम गए हुए थे। अच्छा। असम गए, वहीं पर से गए, उसके बाद रात में अचानक हम वहाँ से चल दिए थे, ट्रेन में आए, उसके बाद हमको खबर आया कि घर का ताला वाला टूटा वूटा हुआ। अच्छा। सब है उसमें, जेवरात वगैरह दो गोरेज का टूटा हुआ है, कपड़ा लत्ता बचा हुआ, लेकिन जेवरात वगैरह और पैसा वैसा था जो सब लेके गया। छह ताला तोड़ा हुआ। कितने की चोरी हुई है? 60-70 हज़ार के लगभग। नालंदा में कई लोग ठगी के शिकार हो चुके हैं। ताजा मामला बिहार थाना क्षेत्र इलाके के भैंसासुर इलाके की है, जहां एक युवक ने ऑनलाइन स्मार्ट वॉच का ऑर्डर दिया था, जिसके बाद जब कंपनी से डिलीवरी बॉय ने स्मार्ट वॉच की डिलीवरी दी तो युवक ने डिलीवरी के वक्त डिलीवरी बॉय के सामने ही बंद पड़े डब्बे को खोलने की बात कही तो उसके अंदर स्मार्ट वॉच की जगह खेलने वाली बच्चों की कांच की गोलियां डब्बे में मिली। हालांकि इस मामले में युवक ने बताया कि अभी तक उसे कंपनी से घड़ी की प्राप्ति नहीं हुई है। इस मामले की सूचना युवक ने स्थानीय थाने में दी है। मिशो कंपनी से ऑर्डर किया था स्मार्ट वॉच। हाँ। ठीक है। हाँ। और आया घड़ी, यहाँ डिलीवरी जब किया। हाँ। खोल के देखे। हाँ। तो यहाँ गोली निकला है, खेलने वाला गोली निकला है। खेलने वाला गोली निकला है। कितना बात है पेट की? 1620 रुपया। अच्छा, तो क्या बदली में क्या मिला? अभी कुछ नहीं मिला। नालंदा में नगर पालिका चुनाव की घोषणा हो गई। बता दें कि 18 दिसंबर को पहले चरण का मतदान होना है, तो वहीं 28 दिसंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। साथ ही 20 दिसंबर को पहले फेज का काउंटिंग होगी और 30 दिसंबर को दूसरे फेज की काउंटिंग की जाएगी। नालंदा में राजगीर महोत्सव के मौके पर पहलवानों ने बीच दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार, यूपी, झारखंड समेत अन्य राज्यों के महिला और पुरुष पहलवानों ने हिस्सा लिया। तो वहीं दंगल प्रतियोगिता को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। महिला वर्ग में पहला मुकाबला पटना जिले के धनमती और पायल कुमारी के बीच खेला गया, जिसमें अपनी पहलवानी का हुनर दिखाते हुए धनमती ने बाजी मारी। मधुबनी के खाद विक्रेता के गोदाम पर सदर एसडीओ अश्वनी कुमार के नेतृत्व में छापेमारी की गई, तो वहीं शहर के 3 प्रतिष्ठान पर छापेमारी की गई। साथ ही सदर एसडीओ ने जानकारी देते हुए बताया कि तीनों प्रतिष्ठानों में कुल 1000 बोरा खाद गोदाम उपलब्ध हैं, जिसकी गणना मजिस्ट्रेट की तैनाती में की जाएगी और सभी गोदामों को सील कर दिया गया है। प्राप्त हुई थी, निर्देश प्राप्त हुआ था कि जो अपना मधुबनी जिला है, ये नेपाल के बॉर्डर से सटा हुआ जिला है, तो यहाँ पे कुछ अवैध खाद के जो कारोबार और बॉर्डर ट्रेस पास का कुछ सूचना प्राप्त हुआ, तो उसी के आलोक में हम लोग अभी यहाँ पे आए हैं। कुल मिला के 3 बड़े होलसेल और 3 रिटेलर, उन जगहों पर अभी हम लोग दबिश दिए हैं और अभी काउंटिंग करवाएंगे। हम लोग सील कर देते हैं इसको, कृषि विभाग के पदाधिकारी आ चुके हैं, उनके समक्ष हम लोग काउंटिंग करवा के फिर विधिवत कार्रवाई करवाएंगे। जल्द हाजिर होंगे छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ।
अस्थमा हो या फिर आर्थराइटिस, डायबिटीज हो या फिर कोई और डिसऑर्डर, आपको मिलेगी सेहत से जुड़ी हर जानकारी। एक्सपर्ट्स देंगे अपनी राय। हेल्थ मंत्रा शनिवार और रविवार शाम 6 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दांवपेच, अफसरशाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी, सांसद से लेकर विधायक तक, आईएएस से लेकर आईपीएस तक सबसे होगी बात। शख्सियत शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। स्वागत है, रुक करते हैं खबरों की ओर। मधुबनी के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने बिफ्ती और पतौना ओपी थाना के वार्षिक निरीक्षण कर पुलिस अधीक्षक ने बिफ्ती थाना अध्यक्ष को सफलतापूर्वक शराब तस्करों की गिरफ्तारी पर उन्हें सम्मानित किया। सर्दी के मौसम, रात्रि गश्त बढ़ाने और चोरों पर लगाम लगाने के संबंध में ओपी थाना अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा को सख्त निर्देश जारी किए दिए गए। इस दौरान डीएसपी अरुण कुमार सिंह, इंस्पेक्टर आरके निराला, थाना अध्यक्ष राजकुमार राय समेत कई पुलिसकर्मी मौजूद रहे। बिस्फी थाना का वार्षिक निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है। इसमें थाना के जितने भी अभिलेख होते हैं उसकी विस्तृत तौर पे रिव्यू किया गया है, जिसमें अपडेट है कि नहीं सारे रिकॉर्ड्स थाने के, उसको हम लोग देख रहे हैं। उसके अलावा जो थाने का साल भर का परफॉर्मेंस है उसके बारे में बहुत विस्तृत तौर पे सभी आईओ के साथ, सभी जो थाना के स्टाफ हैं उनके साथ रिव्यू की गई है। और ख़ास करके जो पेंडिंग केसेज हैं उसकी वो क्यों पेंडिंग है और उस पर क्या कार्रवाई की गई है, उस पर बहुत डिटेल तरीके से हम लोग रिव्यू कर रहे हैं। और जो पेंडिंग वारंट और कुर्की है उसकी भी जल्दी से जल्दी निष्पादन के लिए निर्देशित किया गया है। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां शिकारपुर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की और शराब बेचने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मामले की पुष्टि करते हुए थाना अध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार लोगों में पोखरिया पंचायत निवासी शशिभूषण भारती और सुजीत भारती शामिल है। इसके पास से 5 लीटर देशी शराब भी बरामद की गई है। बिहार सरकार के मुख्य सचिव के आदेश के चलते नरकटियागंज प्रखंड के 10 पंचायतों में अलग अलग अधिकारियों ने सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं की जांच की। इस कड़ी में जिला मत्स्य पदाधिकारी गणेश राम ने शिकारपुर पंचायत के योजनाओं की जांच की। जांच के दौरान मत्स्य पदाधिकारी ने नल जल गोदाम, पीडीएस दुकान का निरीक्षण किया, साथ ही मनरेगा की योजनाओं की जाँच कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां प्रकाश नगर मोहल्ले के धोखाधड़ी के मामले में अभियुक्त को 10 वर्षों से फरार चल रहा था, जिसको लेकर शिकारपुर पुलिस ने फरार अभियुक्त के घर हथियार चिपकाया है। आपको बता दें कि कांड के अनुसंधानकर्ता ने बताया कि आरोपित के विरोध में लोगों ने बीमा करने के नाम पर पैसा लेकर बीमा नहीं कराने और वापस मांगने पर धमकी देने का आरोप लगाया है। अभियुक्त के विरोध में वर्ष 2012 बसुरारी गांव निवासी से शिकारपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। एफआईआर के बाद से वो फरार चल रहा था। गिरफ्तारी नहीं होने पर न्यायालय द्वारा इश्तियार निकाला गया, साथ ही न्यायालय के आदेश पर उसके घर पर इश्तियार को चिपकाया गया। 357/12 का प्राथमिकी नामजद अभियुक्त राजेश प्रसाद सोनी, पिता राम सरवन प्रसाद सोनी, विकास नगर वार्ड नंबर 13, प्राथमिकी नामजद अभियुक्त काफ़ी दिनों से फरार चल रहे हैं। 12 से लंबित कांड चल रहा था। विधिवत हम न्यायालय के माननीय महोदय के आदेश पर उससे हार निकलवा करके विधिवत उनके मकान पर जाकर आने जाने वाले रास्तों पर छिपकाया गया है, ताकि सभी ग्रामीण देख सके।
बिहार की खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब